तो मेरे गुलाब जामुन, हमारा बेस है बिल्कुल मैं आपके बीचों बीच रेडवुड फॉरेस्ट में, बहुत ओपी बेस है, लेकिन यहाँ पे हम पैटर्न ढूंढ रहे थे इसलिए बहुत दूर आए हुए हैं। एंड रस्ते में भाई 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 एक रैप्टर मेरे पीछे पड़ गया और मैंने बोला गोली से उड़ तू, और उसके बाद भाई एक कैप्रो सूचस ने मेरे को मुँह में पकड़ लिया, और मुँह में पकड़ के पता नहीं साड़े ने कितनी देर मेरे को घुमाया, लेकिन भैंस की टांग भाई मेरे को इतनी उंगली में जा रहे हैं ना ये लोग, साला कुछ करने नहीं दे रहे। लेकिन फाइनली हमें एक पैटर्न मिल भी जाता है और पैटर्न को हम टेम करते हैं। लिटरली भाई पहले 315 लेवल का मिला था, 430 लेवल का मिल गया, मज़ा आ गया। लेकिन भाई अगर तुम्हें लग रहा है ये नॉर्मल आर्क मोबाइल का वीडियो है जिसमें हमें सिर्फ सर्वाइव करना है, डाइनो टेम करना है, डंजन करनी है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे हमारी एक साइड स्टोरी चलने वाली है और उसके बारे में तुम्हें पता लगेगा वीडियो के मिड या फिर वीडियो के एंड में, जहाँ पर हमें पता लगेगा कि इस वर्ल्ड में हम अकेले नहीं है, कोई और भी है जिसके भाई कुछ और ही मकसद है और वो हमसे कुछ और ही करवाना चाहता है। एंड हमें एक मिशन दिया जाता है करने के लिए जिसमें हमें एक ट्रेजर हंट ढूंढना होता है। बाकी की चीज़ें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि भाई अगर अभी बता दूंगा तो तुम सारा कुछ स्पॉइल हो जाएगा एक तरह तुम्हारे लिए। तो वीडियो पूरी देखो, बहुत मजा आने वाला है भाई। वीडियो एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है, सो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि भाई स्टोरी टाइम बोल रहा हूँ, बैच की स्टोरी लाइन वीडियो है तो मेहनत लगती है भाई। वीडियो पूरी जरूर देखना एंड लेट्स गो भाई। भाई पैटर्न टेम हो चुका है लेकिन मैं उसकी सैडल लाना भूल चुका हूँ और मेरे पास सामान भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक काम करने वाला हूँ कि भाग के जाने वाला हूँ अपने बेस पे और वहाँ पे इसको रिक्वेस्ट करके टीपी करवा लेंगे। लेकिन पहले अपना आर्मर वगैरह डाल लेते हैं भाई, वरना भैंस की टांग हो जाएगी। और वो टेक बूट्स जो तुम देख रहे हो भाई मैंने डाले हुए हैं, वो मेरे को एक उसमें से मिले थे, ये जो हवा में से ड्रॉप्स गिरते रहते हैं। और भैंस की हम जल्दी से चलते हैं, और भैंस की गिर गया, शिट डैमेज पड़ा गंदा वाला, नेवर माइंड भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जल्दी से चलते हैं अपने बेस की तरफ एंड लेट्स गो भाई। भाई बेस पर जाने के लिए मैं बहुत भागा हूँ, बहुत तैरा भी हूँ, और भैंस की पता नहीं किन किन डाइनों ने मेरे को पकड़ पकड़ के काटा भी है, बट स्टिल हम किसी से नहीं डरते हैं। एंड अभी भी भागते जा रहे हैं, मेरे को नहीं पता मेरे रास्ते में और कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं, पर मैं फिर भी अपने बेस तक जाके ही रहूँगा भाई। एंड यहाँ पे हम ऑलमोस्ट अपने बेस तक पहुँच ही गए हैं भाई, कीचड़ वाला इलाका आ चुका है बीच में, जहाँ पर भाई मेरे को पक्के से पता है मेरी गांड पटने वाली है भाई। बहुत गंदे गंदे डाइनोज रहते हैं भाई इधर, बहुत गंदे गंदे, और जैसे कि गंदे का नाम लिया गंदा हाजिर। और इसको तो भैंस की मार के जाऊँगा, ये मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, भैंस की ज़्यादा उड़ रहा है। तो सांप की बीम बजाने के बाद मैं चलता तो जा रहा हूँ सीधा सीधा, मेरे को कुछ नहीं पता हो क्या रहा है मेरे साथ। मेरा भाई तलवार, पता नहीं भाई उसका डैमेज ही नहीं आ रहा, नली सी तलवार है, इतना टाइम लग रहा है ना मारने में साड़ा। अभी यहाँ पर कुछ और कांड ना हो जाए भाई, मेरे को यही डर रहा है कि यहाँ पे कैप्रो वगैरह बहुत घूमते हैं और कैप्रो नहीं पकड़ लिया भैंस। हाँ बहन के लोड़े खा ले मेरे को, निकल जा निकल जा, कच्चा खा जा भैन, मतलब भाई जिंदा मत छोड़ो मेरे को भैंस की इनकी। तो भाई चलो यहाँ से इनसे निपटने के बाद जल्दी से चलते हैं अपने बेस की तरफ, इससे पहले कि और कोई कैप्रो सूचड़ा भाई जो भी इसका नाम है कैप्रो सूचस भाई हमें फिर से मुंह में पकड़ के भाई निकल ना जाए। जल्दी से बेस ढूंढते हैं, और मेरे को नहीं पता भाई मेरा बेस कहाँ है, मेरे को कोई घर ले जाओ भाई, मेरे कोरोना आ रहा है भाई, घर ले जाओ कोई। Run. ला ला लो 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 लो, भैंस की मैं कब पहुंचूंगा घर, कोई मेरे को घर ले जाए भाई, रोने आ रहे। भैंस की शेड फाइनली पहुंचने वाला हूं भाई, यहीं कहीं है दूर, वो रहा भैंस की, मेरे को दिख रही है, मेरे को दिख रही है दीवार, वो रही मेरी केकड़े वाली दीवार। मेरे को इतनी खुशी हो रही है भाई घर आने पे कि क्या बताओ, बैन चौधरी कौन मेरे को डीएम कर रहा है अभी इस वक्त, भैंस की शेड भाई। लेकिन भाई सच में इतनी खुशी आज तक नहीं हुई, यहाँ पे तुम्हारे मैं अपने पुराने आई मीन मेरे प्यारे गे से मिलवाता हूँ। गे 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 वेयर आर यू, ये रहा भाई आई एम गे, ओ मतलब ही इज़ गे नॉट आई एम। शीट भाई इसको मैंने टेम किया था थोड़े टाइम पहले, और वो थोड़ा टाइम पता नहीं कब हुआ, और ये है मेरे स्टोरेज बॉक्सेस जिनको मैं बहुत मिस कर रहा था, और ये है मेरा प्यारा सा घर, और यहाँ पर अपन अपने पीटी को टीपी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे को सैडल का देखना है यार, मेरे पास सैडल पड़ी है क्या उसकी, मेरे को याद सा नहीं आ रहा। लेकिन पहले टीपी करवा ही लेते हैं, उसके बाद उसकी सैडल का देखूंगा, मेरे को याद है मैंने कहीं तो रखी थी भाई उसकी सैडल, शायद स्मृति में पड़ी है, रुको देखता हूँ। पहले उसको टीपी करवाते हैं, कहाँ है भैंस की, ये रहा। इसके लिए भाई कोई नाम सजेस्ट करना मेरे को, ठीक है मेरे को नाम सजेस्ट करना है इसका कोई। ओके रात से दिन हो चुका है, एंड यहाँ पे मेरे पास यार स्मृति में इसकी एक जर्नीमैन की सैडल पड़ी तो थी, मेरे को याद है लाइक पहला दिन जब इसमें मैं गेम शुरू ही किया था तभी मेरे को फ्री गिफ्ट में निकल गई थी, सबसे पहले ही सैडल निकली थी भाई इसकी। उसके बाद ही मैंने सोचा था इसको टेम करेंगे, लेकिन भाई पहले ट्राइक वगैरह टेम कर लिया अपन ने। ओके भाई इसको जल्दी से सैंडल पहना देते हैं और भाई इसकी सवारी करते हैं भाई, मंजा तो आएगा दो मस्त, मंजा तो आएगा। लेकिन SFX वॉल्यूम थोड़ा कम ही रख रहा हूँ, पता नहीं भाई SFX बहुत शोर मचा रहा है पता नहीं किस खुशी में। और यहाँ पे मैं मन कर रहा है भाई अपनी चेन इसको उतार के दे दूँ, क्योंकि भाई बस सेमसी लग रही है भाई सेमसी। और इसको पहना देते हैं, कहाँ से देते हैं,
ये ले भाई, पहन ले भाई, तू भी ऐश कर, तू भी क्या याद रखेगा कि तेरे को किसने पाला था भैंस की। ओह नाइस भाई, अच्छा लग रहा है। एक सेकंड, मेरा वेट कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं अपना थोड़ा बाहर खाली करके आऊँ क्या? थोड़ा सा इसमें रख देते हैं भाई। क्या क्या रखूँ इसमें पर? ये भी रख देते हैं, ये भी रख, अरे वुड और तैयार सब कुछ रख देता हूँ भाई। तीर हाइड कुछ नहीं चाहिए भाई मेरे को। बायोटॉक्सिन काम तो आएगा भाई, बायोटॉक्सिन भी रख ही दूँ क्या इसमें? बायोटॉक्सिन मेरे को लग रहा है बाद में काम तो आएगा, हम किसी और को भी टेम कर सकते हैं भाई। बड़ी मुश्किल से कलेक्ट किया था भाई, वो जेलीफिश जैसी चीज़ होती है ना पानी में, साड़ा उसके तीर मारे थे मैंने जाके। ओके अभी इसकी सवारी करते हैं, भैंस की देखते हैं कैसे चलता है। और भैंस की यहाँ पे गेम क्रैश मार गया बेंच। ओके गेम रीस्टार्ट हो चुका है। ओ फाइनली भाई, कहाँ पे? अच्छा बेड पे, जब मैंने वो किया था सेव तब हुआ था। ओके नेवर माइंड फॉर डैट। एक सेकेंड, फिर वो सैडल अभी मेरी इन्वेंट्री में ही है कि कहाँ है सैडल? वही नोट कहाँ से है मेरे पास? गो टू द गेट एंड चेक फॉर द गिफ्ट इन इन्वेंट्री, बट डाइनो हैज़ द स्पेशल एबिलिटी ऑफ इंसेंस स्पीड, टेक इट टू द एंट्रेंस ऑफ द ट्रेजर केव एंड सेक्रीफाइस इट। ओ डिप्लोडोकस मेरे बेस के अंदर, व्हाट द भाई? वहाँ पे बेसिकली लिखा था केव के सामने भाई इसका लेवल। और ये भाई वो क्यों है, अनक्लेम क्यों है? बैंड चूज इसकी हेल्थ भाई, क्लेम करो। ओके नेवर माइंड फॉर डैट। लेकिन भाई उसमें लिखा कि किसी माउंटेन के सामने केव है, उसके वो केव है की टू द कुछ क्या था, की टू द ट्रेजर, और वहाँ पे जाके जो गिफ्ट दिया है उसको सेक्रीफाइस करो फॉर द ट्रेजर की। हैं बहन चुत, ये क्या लंड गिरी है? इसको जाके वहाँ पर केव पे सेक्रीफाइस करना है, लेकिन कैसे? इसकी सैडल भी बीच में और एक नोट नोट बहन चुत भाई, नोट पढ़ने से गंठ फट रही है मेरी। बहन का लो मूवमेंट स्पीड इसकी 802, एक डिप्लोडोकस की मूवमेंट स्पीड 802, द फकिंग एक्चुअल शिट। और मैंने अभी इसका नाम नोटिस किया, इसका नाम सेक्रीफाइस में क्यों है बहन चुत? भाई कौन है जो इसको अनक्लेम करके गया मेरे मुंह पे? और मेरे ट्राइक की स्पीड देखोगे 359 है वो बहन का लोना भाई, ये क्या चल रहा है इधर मेरे घर पे भैंस की शिट। इसके अंदर जो नोट था उसमें क्या लिखा है फिर? नोट नोट नोट, द ट्रेजर हंट, द केव इन द फ्रंट ऑफ अ माउंटेन हैज द की टू द ग्रेट ट्रेजर, बट डिफीट द गार्ड इफ यू वॉन्ट इट और अदरवाइज गेट योर नट्स आउट। बैंड चोर, डिफीट के स्पेलिंग गलत है, कौन बैंक लोड़ा लिख के गए भाई ये नोट? केव इन द फ्रंट ऑफ ए माउंटेन, एक ही केव है भाई वो वाली, या तो सो स्नो वाली होगी, स्नो वाला जो वो पहाड़ है उसके वो केव ऑफ द स्ट्रॉन्ग केव जो होती है वो, या फिर जो द सेंट्रल केव होती है वोल्केनो माउंटेन के सामने वहाँ हो सकता है। दोनों जगह मेरे को चेक करना पड़ेगा, लेकिन इस डिप्लोडोकस को कैसे लेके जाऊँगा वहाँ पे सेक्रीफाइस करने? बहन चुत पागल हो गया बहन की, भाई कैसे पॉसिबल है ये? लेकिन इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही है भाई, ये तो क्रैश मरवा देगा गेम अगर मैंने इसको चलाया अभी तो। भाई एक्चुअल शेड भाई क्या चल रहा है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो दोस्तों अभी जो भी करना है अगले ही वीडियो में करेंगे, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। देखते हैं भाई ये ट्रेजर केव क्या चीज़ है और इसका सेक्रीफाइस भाई बड़ी कूल चीज़ लग रही है सुनने में, तो अगले वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगला वीडियो देखने भी जरूर आ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज केवी लॉगिंग ऑफ एंड पीस आउट। कोई भी कमेंट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।